नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको मित्सुबिशी हैवी ड्यूटी का एक सबसे हॉट सेलिंग मॉडल है, जो सबसे ज़्यादा बिकता है मॉडल, वो आता है इनका 2.2 टन का 3 स्टार नॉन इन्वर्टर। उसके बारे में आपको बताऊंगा, पूरे डिटेल में बताऊंगा और स्पेसिफिकेशन सब कुछ बताऊंगा आपको, कितना एरिया कवरेज है, और साथ में एक छोटा सा अनबॉक्सिंग भी करके दिखाऊंगा आपको कि यूनिट का लुक कैसा है, यूनिट के अंदर स्पेसिफिकेशन क्या क्या, यूनिट के अंदर एक्सेसरीज क्या क्या मिलती हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो जैसा कि आप नॉर्मली अगर आप 2 टन का एसी अगर आप सोच रहे हो, तो मतलब कि आपका एरिया 250 प्लस या 250 या उससे अबव है, तभी आप 2 टन का एसी कंसिडर कर रहे हो। नॉर्मली जितने भी कंपनीज के एसीज होते हैं, वहाँ पे आपका 250 स्क्वायर फीट 300 स्क्वायर फीट तक ही आपका 2 टन का एसी काम करता है। बट मित्सुबिशी हैवी की आपको खासियत यही चीज़ रहती है कि इसका जो 2.2 टन की मशीन आती है वो 450 स्क्वायर फीट तक काम करता है, जो कि कंपनी कैटलॉग के ऊपर मेंशन करके देती है आपको। 450 स्क्वायर फीट तक आपका एसी बहुत आराम से काम करता है। इवन दो अगर आपका टॉप फ्लोर पे भी लगाए तब भी आपको कूलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपका किसी और जगह लगाओ जहाँ पे ऐसी बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो वहाँ पे भी आपको मित्सुबिशी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, क्योंकि मित्सुबिशी के अंदर जो कंप्रेसर यूज़ होता है वो 55 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर पे बना होता है। हाइपरट्रॉपिकल रोटरी कंप्रेसर होता है, जिसकी रेंज जो होती है 55 डिग्री तक होती है। तो 55 डिग्री तक भी अगर आपका टेम्परेचर आउटसाइड टेम्परेचर रहेगा, आपको कूलिंग में 1% का भी इफेक्ट नहीं आएगा। और बाकी इसके जो मित्सुबिशी की जो मशीनें हैं, आप सभी जानते हैं, अगर आप मित्सुबिशी का प्रोडक्ट कभी आपने यूज़ करा हो, कोई भी प्रोडक्ट हो चाहे, इनकी बिल्ड क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त होती है कि आपको मशीनरी के अंदर कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। आपको बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, बिल्ड क्वालिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा कंपनी काम करती है। उनका सर्विस के ऊपर इतना फोकस नहीं रहता जितना बिल्ड क्वालिटी के ऊपर फोकस रहता है। तो बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत ज़बरदस्त मिलने वाली है, ड्यूरेबल मशीनें मिलने वाली है, और एयर फ्लो जो कंपनी क्लेम करती है वो 60 फिट का एयर फ्लो कंपनी क्लेम करती है, जो कि बहुत ज़्यादा है इस सेगमेंट के अंदर। किसी भी ब्रांड से अगर आप कंपेयर करते हैं, प्रीमियम सेगमेंट में स्पेशली अगर आप किसी और ब्रांड से कंपेयर करते हो, तो आपको इसके ऐसी स्पेसिफिकेशन या इसके आसपास भी कहीं नहीं आता कोई भी ब्रांड। अगर इसकी आप मशीन की आप 2.2 टन की कूलिंग कैपेसिटी अगर आप देखें, तो इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो 7650 कूलिंग कैपेसिटी है, जो कि मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी 7700-7800 तक जाती है। और इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत ये कि 7650 कूलिंग कैपेसिटी के साथ भी ये मशीन जो है आपका 1800 वाटेज से 2000 वाटेज के बीच चलती है। तो अगर मैक्सिमम कंजक्शन भी देखा जाए तो वो 2050 वाटेज आता है, जो कि मतलब 2050 वाटेज काफ़ी कम होता है। अगर आप 2 टन की मशीन 2.2 टन की मशीन जो कि 7700 कूलिंग कैपेसिटी के हिसाब से है, अगर आप इससे कंपेयर करते हो, नॉर्मली अगर आप किसी और ब्रांड का प्रोडक्ट कंपेयर करते हो, तो जो कि 2 टन की मशीन जो नॉर्मल जितने भी ब्रांड हैं वो जो 2 टन का कूलिंग कैपेसिटी आपको देते हैं वो 6300-6500 तक देते हैं आपको। जिसके अंदर भी वाटेज आपको मिलता है वो 1900-2000 वाटेज मिलता है। यहाँ पे आपको 7700 कूलिंग कैपेसिटी के साथ 1800 से 2000 वाटेज मिलता है, जो कि बहुत कम है इतनी ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी के बावजूद। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की अगर बात करी जाए, तो पूरे साल का जो कंजप्शन है वो 1500 यूनिट आता है। पूरे साल कहने का मतलब है कि 1600 घंटे का यूज़र जो है वो आपको सिर्फ 1500 यूनिट कंज्यूम करता है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत कम है, एयर फ्लो बहुत ज़्यादा है, बहुत हैवी मशीन है। अगर आप इसका इंडोर साइज़ देखें, तो इंडोर जो यूनिट है वो आपका 47.2 इंचेस ब्रॉड है, काफ़ी ब्रॉड यूनिट है, बल्कि यूनिट है इंडोर का। अगर आप वेट भी देखोगे तो वो भी 19-20 किलो का वेट है इंडोर का। नॉर्मली अगर आप किसी और ब्रांड का देखेंगे तो शायद आपको 12-15 किलो का ही इंडोर मिलता है 12-15 किलो वेट बहुत कम हो गया। अगर वहाँ पे 20 किलो का इंडोर आएगा तो ऑब्वियसली कि वेट बढ़ रहा है, वहाँ पे क्वालिटी और ज़्यादा इंप्रूव हो रही है, यूनिट ब्रॉड हो गया है, और मशीन की बिल्ड क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है कि इतना ब्रॉड इंडोर होने के बाद भी, इतना बड़ा ब्लोर होने के बाद भी आपको एयर नॉइस वाइब्रेशन आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है मित्सुबिशी के साथ। ये बिल्ड क्वालिटी होती है मशीनरी की कि आपको हल्का सा भी नॉइस भी नहीं मिल रहा है रूम के अंदर, हल्की वाइब्रेशन भी नहीं है, और आपको एयर फ्लो भी इतना ज़बरदस्त मिल रहा है। अगर आप इसके आउटडोर को देखेंगे तो आउटडोर देख के ही आपको पता लग जाएगा क्यों कंपनी 450 स्क्वायर फीट कहती है, क्योंकि इसका आउटडोर साइज़ वो काफ़ी बड़ा साइज़ है। मशीन इतनी ज़बरदस्त है, आपको वो उसका डायमेंशन देख के ही आपको पता लग जाएगा कि मशीन किस लेवल पे है। 450 स्क्वायर फीट तक तो हम नॉर्मली ऐसे कहते हैं, हमने अपने किसी साइट पे 500 स्क्वायर फीट में भी लगाई हुई है मशीन, में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल कंप्लेन नहीं है इस मशीन के अंदर, बशर्ते इंस्टॉलेशन अच्छे से हो, मशीन में आपको कोई सिंगल कंप्लेन नहीं मिलेगी। आपको मशीन की बिल्ड क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है। अगर आप मित्सुबिशी की कभी आपने मशीन यूज़ करी हो, तो शायद ही आप किसी और कंपनी का मशीन यूज़ करेंगे, इनकी मशीन की बिल्ड क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है।
बिल्ड क्वालिटी के ऊपर ही इनका प्रोडक्ट बिकता है, सर्विस के ऊपर इनका प्रोडक्ट नहीं बिकता, क्योंकि सर्विस बहुत अच्छी नहीं है कंपनी की। तो अगर आप मित्सुबिशी कभी आप एसी लेने के बारे में सोचें तो तभी आप सोचिए जब आपके घर के आसपास मित्सुबिशी का कोई सर्विस स्टेशन वगैरह हो, तभी आप परचेज़ कीजिए। अदरवाइज़ तो मित्सुबिशी फिर आपको अपने भरोसे ही लेना पड़ेगा, बिकॉज कंपनी की सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो बहुत दूर दूर तक भेज दें अपने लड़के, उनका लिमिटेड एरिया के अंदर ही सर्विसेज हैं। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, अदरवाइज़ क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है कि अनबीटेबल मशीन है इंडियन मार्केट के अंदर। क्वालिटी में कोई मशीन बीट नहीं कर सकती इसको। अगर आपने एक बारी मशीन है इसकी लगाई है तो दोबारा किसी और कंपनी का मशीन पसंद नहीं आएगा आपको, इस लेवल पे बिल्ड क्वालिटी है। तो बाकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कंपनी का ब्राउज़र लिंक भी देता हूँ, जहाँ से आप इसका कैटलॉग भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन पूरा मिल जाएगा। बाकी डिटेल मैंने आपको बता दिया है, एक छोटा सा अनबॉक्सिंग मैं आपको कर देता हूँ, वहाँ पे भी आपको यूनिट के बारे में सारी डिटेल बताऊँगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है, कितना पावर वोल्टेज है, कितना EER है, स्पेसिफिकेशंस क्या है, आउटडोर कितना बड़ा है, इनडोर कितना बड़ा है, वो सब आपको एक छोटा सा अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं पहले आपको इसका आउटडोर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो कितना बल्की आउटडोर है, काफ़ी बड़ा यूनिट है। इसका डायमेंशन भी देखोगे आप, इसकी जो लकड़ी वाली पैकिंग होती है एक्चुअली में निशानी होती है कि इम्पोर्टेड मशीन है। जैसे कि आप देख रहे हो आउटडोर के ऊपर मॉडल नंबर जो मेंशन है SRC मॉडल नंबर मेंशन होता है, SRC 25 CSS, ये सेम मॉडल नंबर होता है SRK 25। जो इंडोर के ऊपर होता है वो SRK 25 CSS होता है, और आउटडोर के ऊपर जो होगा वो SRC 25 CSS होगा। कूलिंग कैपेसिटी सेम है, जैसा आप आगे इंडोर में भी देखोगे तो भी आपको सेम ये स्पेसिफिकेशन मिलेंगी। कूलिंग कैपेसिटी 7625 सिंगल फेस यूनिट है, 230 वोल्ट, 57 kg का आउटडोर है। जैसे कि आप देख रहे हो आउटडोर कितना हैवी है, 57 kg का आउटडोर है, जिसका जो कि इसका नेट वेट है पैकिंग के साथ तो मेरे ख्याल से शायद 60+ है। बाकी इंडोर यूनिट के अंदर क्या क्या लिखा है वो चीज़ें लिखी हैं, एंड आउटडोर यूनिट तो सिर्फ है सिंपल आउटडोर यूनिट है, इसके अंदर कुछ है नहीं। इसके कंट्री ऑफ ओरिजिन मेड इन थाईलैंड मशीन है, फुल इम्पोर्टेड मशीन है। इसकी MRP जो है वो 66,490 रुपीज़ का है। बाकी इधर आपका डायमेंशन मेंशन है आपका, बाकी ये कंपनी का वेबसाइट है IAPL ग्रुप। अगर आपको इसका कोई भी ब्राउचर चाहिए होगा मित्सुबिशी हैवी के रिलेटेड, या कुछ और भी डिटेल चाहिए होगी मित्सुबिशी हैवी एसीज के रिलेटेड, तो आप इनकी वेबसाइट पर जाके भी चेक कर सकते हो, दैट इज़ www.iaplgroup.com। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी सेंड कर दूंगा। बाकी काफ़ी हैवी यूनिट है, बल्क यूनिट है। ये नीचे बैठ के अगर आप देखते हो तो ये साइज़ है, ये शाहरुख खान साहब की ब्रांडिंग है यहाँ पे, इनका ब्रांडिंग लोगो। ग्रॉस वेट है 63.5 kg की, वाओ, सो ब्रॉड। मेड इन थाईलैंड फुल इम्पोर्टेड मशीन है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ है, बहुत बढ़िया स्पेसिफिकेशंस हैं, काफ़ी हैवी यूनिट है। ये इसका स्टार का स्टिकर, जैसे कि आप देख रहे हो हमेशा स्टार रेटिंग पर जो मॉडल नंबर यूनिट का मॉडल नंबर होता है वो मेंशन होता है, जो कि मैं बता रहा था आपको SRK 25 CSS मेंशन होता है, ये यूनिट का मॉडल नंबर है। 7625 कूलिंग कैपेसिटी, फिक्स स्पीड के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, 2 टन के अंदर मेरे के 2.2 टन के अंदर, इनफैक्ट ये 2.2 टन मशीन है और सबसे ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी वाली मशीन है इंडियन मार्केट में। वाओ, काफ़ी अच्छी मशीन है, बहुत बढ़िया, बल्कि काफ़ी बल्कि है। अगर आपका ड्राइंग रूम एरिया या बेडरूम तो खैर इतना बड़ा साइज का होता नहीं है, अगर फिर भी है आपके पास जिसमें एरिया है 400-450 स्क्वायर फीट, तो आप इसको 2.2 टन को इजीली पुटअप कर सकते हो, वहाँ पे एक मशीन आपका पूरा एरिया बहुत आराम से कवर करती है। तो आइए अब मैं इसका इंडोर दिखाता हूँ आपको और इसके स्पेसिफिकेशन भी दिखाता हूँ। चलिए, थैंक यू। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसका मॉडल नंबर है, जिसका ग्रॉस वेट है 19 kg का, जो कि आई थिंक सबसे हैवीस्ट इंडोर यूनिट आता है। ये इसका मॉडल नंबर है। बाकी इसमें जो कूलिंग कैपेसिटी है वो 7625 कूलिंग कैपेसिटी है, जो कि इस सेगमेंट के अंदर अगर आप किसी भी कंपनी का 2 टन एसी देखते हो तो शायद ये सबसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है 1586 यूनिट पर ईयर। पर ईयर का जो कैलकुलेशन होता है वो 1600 घंटे के हिसाब से होता है, 1600 घंटे इज इक्वल टू 1 ईयर। बाकी ISER 3.72 है इसका,
जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेड इन थाईलैंड मशीन है, फुल इम्पोर्टेड मशीन आती है, क्वालिटी में बहुत बढ़िया मशीन है। ये इसका इंडोर का डिज़ाइन है जिसका विथ है 47.2 इंचेस का, काफ़ी ब्रॉड इंडोर है, काफ़ी हैवी यूनिट है। और इसका जो एरिया कवरेज है एज यू नो, जैसा कि आपको पता है, आप 450 से 500 स्क्वायर फीट तक का अगर एरिया है तो वहाँ पे आप एक सिंगल मशीन से आपका काम हो जाता है। सेम स्टार्टिंग लेबल यहाँ पे भी लगा हुआ है, बाकी जो इसका मॉडल नंबर डिस्क्रिप्शन होता है वो यहाँ पे होता है। इसका मॉडल नंबर डिस्क्रिप्शन है जहाँ पे सीरियल नंबर मेंशन होता है। बाकी इसके साथ और क्या एक्सेसरीज आती है, ये इसका रिमोट हैंडसेट आता है और ये दो फिल्टर आते हैं इनका, ये सोलर फिल्टर है और ये एंजाइम फिल्टर है। ये सर ये दो एक्सेसरीज फिल्टर साथ में आते हैं, जिसका ये फिल्टर कवर भी होता है जो कि आपको जो यूनिट के अंदर फिल्टर लगा होता है उसके साथ अटैच करना होता है। ये कुछ काफ़ी अच्छा हैवी यूनिट है, फुल्ली इम्पोर्टेड मशीन है एज यू कैन सी। कूलिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, ब्रॉड इंडोर है, बड़े एरिया के लिए बहुत बढ़िया मशीन है। जहाँ पे एरिया आपका ज़्यादा बड़ा है वहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ऐसा लुक आएगा, ये मित्सुबिशी की ब्रांडिंग हो रखी है यहाँ पे, मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज जेट फ्लो, जो कि सबसे ज़्यादा एयर फ्लो का क्लेम करती है कंपनी। बाकी किसी भी ब्रांड से आपको सबसे ज़्यादा एयर फ्लो मिलता है। टेम्परेचर डिस्प्ले इसमें नहीं आता है बिकॉज फुल इम्पोर्टेड मशीन है, इसमें टेम्परेचर डिस्प्ले आपको सिर्फ रिमोट में देखने को मिलता है, बाकी यूनिट में आपको टेम्परेचर डिस्प्ले शो नहीं होता है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की वीडियो आगे भी आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।